वेलकम टू आवर चैनल लाइफ एंड ट्रेडिंग एंड होप आज आप लोगों ने एम हसी से अच्छा पैसा बनाया होगा, पिरामल इंटरप्राइज से अच्छा पैसा बनाया होगा और भी दो 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 स्टॉक थे, एयरटेल था उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बना होगा एंड भारत फॉग में भी अच्छा प्रॉफिट बना होगा। चारों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हम लोगों को एंड कल के जैसा ही आज भी हम लोग चार स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जिन चार स्टॉक में हम लोग कल ट्रेड लेंगे। किस जगह पे एंट्री होगा, किस जगह पे टारगेट होगा, ये सब चीज बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। पहले आप यहाँ पे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा एंड आज का दिन आपका कैसा था, प्रॉफिट हुआ या लॉसेस हुआ, किस जगह पे आपको आपका जो साइकोलॉजी है। आप लोगों का सबका कमेंट्स मैं एक ही करके पढ़ता हूँ एंड मैं कोशिश भी करता हूँ कि सबके कमेंट पे लाइक करने का ताकि आप लोग तक लगे कि हाँ हम ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो वीडियो पे आते हैं। सबसे पहला नंबर है आप लोग अपने पास आईटीसी एंड आईटीसी जो कि कभी मूव उतना नहीं करता बट करता तो बहुत अच्छा करता है, तो एक मूव देने वाला जगह पे है। एक बेरिश रैली के बाद एक अच्छा खासा फॉल आने के बाद एक अप ट्रेड में जा रहा था बट ये बुलिश नहीं है, मींस मार्केट नीचे करने के बाद एक बार में वी शेप नहीं बनाता, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक रेंज क्रिएट किया है, ऊपर जाके वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे, वापस ऊपर गया, वापस नीचे, वापस ऊपर, एक रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। और हम लोग जब भी ट्रेड लेते तो अपने को रेंज चाहिए, यहाँ पे रेंज भी मिला, ये जो सपोर्ट है बाद में रेसिस्टेंस बन जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक जब हुआ तो बाद में रेसिस्टेंस बन गया, कन्फर्मेशन मिला, रिटेस्ट भी बोलेंगे इसको, रिटेस्ट भी किया। ये लो जो है लोगों का यहाँ पे, जो लोग बाय किए होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अभी भी यहाँ पे बायर्स लोग हैं। जब ये लो इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक डाउन आएगा, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जितना बाय ऑर्डर था सब सेल ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, सेलिंग प्रेशर हाई होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाइंग किए तो वो लोग यहाँ पे सेल करने लगेंगे क्योंकि मार्केट दोनों साइड चलता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम एग्रेसिव है बाइंग में तो हम सिर्फ बाई करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग मतलब मार्केट जब ऊपर गया वापस नीचे आया तो इस लो के नीचे जाते हम लोग सेल करेंगे। 219 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आईटीसी का, अगर इसके नीचे जाता तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 223.2 ये अपना स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा, इनकेस मार्केट नीचे आने के बाद ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हिट हो जाएगा, हम लोग एग्जिट कर देंगे, होल्ड नहीं करेंगे, ट्रेड से लड़ना नहीं है, समुद्र का गहराई को नहीं मापना है, जहां तक मार्केट जाएगा जाने देना, बट अपने को स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉप लॉस ही ट्रेड क्लोज। टारगेट रहेगा 211.55 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 202 यानी कि 200.20 पैसा। तो यहाँ तक आपने टारगेट देखने को मिलेगा तीन चार दिन के अंदर में, फर्स्ट टारगेट पे कोशिश कीजिएगा प्रॉफिट बुक कर लेने का। और जो लोग इंट्राडे करेंगे वो लोग को अगर 1% का मूव मिल जाएगा तो प्रॉफिट बुक करने में ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से मार्केट मूव नहीं करेगा और मार्केट एक दिन में इतना बड़ा टारगेट मे भी अचीव कर दे मे भी ना करे, तो इंट्राडे वाले फंस जाते हैं। तो वो लोग हमेशा से कोशिश कीजिएगा आप लोग अगर इंट्राडे में लेते हैं कि प्रॉफिट मिले तो बुक कर लेने का। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास वोल्टास एंड वोल्टास भी सेम उसी जगह पे आया है जिस तरीके से हम लोग ट्रेड में देखे थे एंड ये इसका रेसिस्टेंस होता है एम हसीस का जैसा पूरा ये है, तो वोल्टास एक अच्छा ट्रेड बन सकता है कल के लिए। यहाँ से नीचे गिरा था, रेसिस्टेंस उनके पास नीचे गिरा, यहाँ से एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, रेसिस्टेंस से नीचे गिरा, ये रेसिस्टेंस के पास सर्वाइव नहीं कर पाया, एक नीचे गिर गया। अब मार्केट इसको ऐसे भी कर सकता है, अगर ऐसे हुआ यहाँ से अगर इसको यहाँ पहुंच के अगर वापस नीचे आके तोड़ता है तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलेगा अपने को सेल का। यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरता है तो भी ठीक है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे, बट स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस रहेगा इसमें, मे बी मार्केट रिवर्स हो जाए, स्टॉप लॉस हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मार्केट इस जगह पे रेंज क्रिएट करता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद इस लेवल के नीचे आता है यानी कि 1251.25 इसके नीचे आएगा तो हम लोग सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1274 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1225 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1192। यहां तक का अपने को टारगेट देखने को मिलेगा वोल्टास में, बट जैसा हम बताएं मे बी मार्केट एक बार यहां से ऊपर इसको रिटेस्ट करने जाए, रिटेस्ट करके अगर ब्रेकडाउन देता है तो कंफर्म आप एंट्री ले सकते हैं, बट विदाउट रिटेस्ट किए अगर एंट्री लेते हैं तो थोड़ा यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से मे भी ऐसा हो सके ऊपर की तरफ चल जाए, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है।
थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास यूबीएल। एंड यूबीएल को देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस जोन के पास में ट्रेड कर रहा है। रेसिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, रेसिस्टेंस रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया। सेम पैटर्न है, देखिए सेम चीज, सर्वाइव नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। एंड यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इसको रिटेस्ट भी दे दिया, ऊपर से ब्रेकडाउन आया, वापस देखिए रिटेस्ट किया। बट यहाँ पे वोल्टास में देखिए, वोल्टास में भी हालांकि रिटेस्ट मिला है, यहाँ से नीचे आने के बाद रिटेस्ट करके, तो मे भी यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। बट और ज्यादा कंसोलिडेशन बनता है ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता, तो एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ओवरऑल मार्केट नीचे गिरा, रिटेस्ट किया, वापस नीचे आ गया। इस लेवल के नीचे आपका एक्यूरेट एंट्री बनता है, बट हम लोग यहाँ से अगर लेंगे तो अपना यहीं से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो ये चीज नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ तक फर्स्ट टारगेट तक तो आराम से आएगा। तो यूबीएल में हम लोग सेल करेंगे 1600 के नीचे, मीन्स लास्ट जो कैंडल बना था इस कैंडल के नीचे जाएगा तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये ब्रेकडाउन दे देगा। तो 1600.85 के नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1635.95। इसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग क्लोज कर देंगे ट्रेड को, एग्जिट कर देंगे, जो भी लॉस होगा लेके निकल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1581.35, यहाँ तक मार्केट आएगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकेंड टारगेट जो है अपना, जो फाइनल टारगेट है वो 1508, यहाँ तक हम लोग को यूबीएल दिखेगा गिरते हुए। एक दिन में नहीं, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल मार्केट एक बार में नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा नीचे हायर हाई या फिर लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो ये बनाते हुए नीचे की तरफ गिरेगा। फोर्थ नंबर जो कि लास्ट स्टॉक है अपने पास, वो है डॉक्टर रेड्डी। एंड इसको लेने का रीजन क्या है कि ये एक सपोर्ट जोन से एक बार ऊपर जा चुका है, वापस सपोर्ट जोन से ऊपर गया, वापस देखिए उसी सपोर्ट जोन से ऊपर गया, ये वापस सपोर्ट जोन से ऊपर गया, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे ये नहीं जा रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है। और सेकंड कंफर्मेशन क्या देखें कि एक ट्रेड लाइन था जिस ट्रेड लाइन को ये फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था, सपोर्ट से उठने का कोशिश किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक हाई बनाया ब्रेकआउट के बाद, हाई बनने के बाद मार्केट एक रेंज क्रिएट कर दिया है। अगर आप देखेंगे इसको सही से तो ये हम लोगों को रेंज एक बहुत अच्छा चीज मिला है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। 4720.5 के ऊपर अगर यूबीएल जाता, डॉक्टर रेड्डी जाता तो बाई कर लेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 4647। एंड जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो लोग इस लेवल तक रुक सकते हैं, सपोर्ट जोन तक, मे बी मार्केट नीचे आने का तो वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। बट अगर इसको ब्रेक करे तो वापस मार्केट नीचे नहीं आएगा। 4837 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 4940, यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है 2-3-4 दिन 5 दिन के अंदर में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एक दिन में आपको मैक्सिमम 5% का लॉस हो चलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, 2% मानना चाहिए, हम 5% फिर भी लेके चले, क्योंकि हम लोग एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है ट्रेडिंग करने में, ओवर ट्रेड करते हैं, 5% मैक्सिमम, ताकि अगर 5% डूब भी जाए तो आपके पास इतना पैसा है कि आप फिर बाद में ट्रेड करके आप अपना पैसा को रिकवर कर लेंगे। बट एक बार में ज्यादा ओवर ट्रेड करेंगे, पैसा एक बार में कमाने की कोशिश करेंगे, आपका पैसा डूब जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा ट्रेड लेने का। आपको मार्केट में बहुत देखेगा ट्रेड, बट पैसा नहीं होने से आपको वहां पे बुरा फील होगा। कहीं ना कहीं ये चीज को हम झेल चुके हैं, जो चीज हम कर गलती कर चुके हैं, और हम ये चीज जानते हैं कि अगर गलती किया हुआ चीज से अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग गलती करके सीखेंगे तो शायद अपना जिंदगी छोटा पड़ जाए। तो ये चीज को नहीं करना है अपने को, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, कैपिटल को अच्छे से यूज करना है। एक ही ट्रेड लीजिएगा, सब में ट्रेड मत लीजिएगा, ओवर ट्रेड तो स्किप, पहला में ही टारगेट अगर मिल गया स्किप, अब उसके बाद ट्रेड मत लीजिएगा। अगर पहला स्टॉप लॉस हिट होता है सेकंड चांस ले लीजिएगा, बट तभी लीजिएगा जब आपका 5% में से कुछ कैपिटल बचा हो रिस्क लेने का। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि हाँ आपको ये वीडियो से हेल्प मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना सारे स्टॉक सर्च करते हैं। सोचिए ये 105 स्टॉक है मेरे लिस्ट में जिसको हम पर्सनली बनाए हैं, सब हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, ये 105 स्टॉक यहाँ पे है, 100 स्टॉक यहाँ पे है, इतना सारा स्टॉक से ये, फिर उसके बाद टुडे टुडे ये फॉरेक्स हो गया, माई ट्रेडिंग ये हम शेयर नहीं करते बट आज आप लोगों संग शेयर कर रहे हैं। एंड ये है मेरा यहाँ पे कुछ स्टॉक्स, एंड वॉचलिस्ट में कुछ 50 स्टॉक यहाँ पे भी है,
तो ओवरऑल 300-350 स्टॉक हम आप लोगों के लिए डेली सर्च करते हैं, फिर जाके 3 ही सिलेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि अब अपने को यहाँ पे एक हाई एक्यूरेसी मिलता है, ब्रेकआउट आने से टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, बाय।